जंगल में एक तालाब के पास पुलिस को बहुत सारा स्मगलिंग का माल मिलता है। तालाब के किनारे गीली मिट्टी में ट्रक के पहियों के निशान भी बने हुए थे। पुलिस आसपास सर्च करती है तो उन्हें तीन ट्रक मिलते हैं। तीनों ट्रक को ध्यान से देखने के बाद पुलिस समझ जाती है कि तालाब के पास कौन सा ट्रक आया होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? ए, बी और सी तीनों ट्रक को ध्यान से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताए। तीसरे वाले ट्रक के आगे देखिए, एक जंजीर लटक रही है जो जमीन से टच हो रही है, उसकी वजह से वो निशान भी बन रहा था। मतलब यही वाला ट्रक तालाब के किनारे आया था। पुलिस उन ट्रक के लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। बाजार में दिन दहाड़े एक मर्डर हो जाता है, लेकिन कोई भी पुलिस को क्रिमिनल के बारे में नहीं बता रहा था। क्रिमिनल सीन के जस्ट अपोजिट में पुलिस तीन लोगों से पूछताछ करती है। पहला आदमी कहता है, सर मैं तो उस समय बाथरूम गया हुआ था, मैंने कुछ नहीं देखा है। गोलगप्पे वाला कहता है, सर मेरे पास सुबह से कोई भी कस्टमर नहीं आया, इसलिए मैं बाजार घूमने चला गया था, अभी जस्ट वापस आया हूँ। तीसरा आदमी कहता है, सर मेरी आंखें बहुत कमजोर है, इसलिए मुझे दूर का दिखाई नहीं देता। तीनों की बात सुनने के बाद पुलिस समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। गोलगप्पे वाला झूठ बोल रहा है। उसने कहा था कि सुबह से उसकी दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आया है। लेकिन उसके डस्टबिन को देखिए, उसमें बहुत सारे डिस्पोजल और टिश्यू पेपर्स पड़े हुए हैं। गोलगप्पे वाला ही झूठ बोल रहा है। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो क्रिमिनल का पता चल जाता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। टोनी एंड बेन एक दिन हाइकिंग कर रहे थे और एक रिवर के सामने पहुंच जाते हैं। अब रिवर को क्रॉस करने के लिए कोई ब्रिज नहीं था और दोनों को स्विमिंग करने भी नहीं आता था, तो वो रिवर कैसे क्रॉस करेंगे? उन्हें पास में दो प्लैंक मिलते हैं, पर प्लैंक काफी छोटे थे। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के रिवर पार की जा सकती थी, लेकिन अगर ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और कोई बीच में पहुंचा तो प्लैंक कोलैप्स हो जाएंगे। मतलब इस तरह से रिवर तो नहीं क्रॉस की जा सकती, लेकिन हाँ इन प्लैंक को यूज करके रिवर क्रॉस भी किया जा सकता है कोई स्मार्ट तरीके से। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, दिमाग लगाइए और सोचिए कि इन दो प्लैंक को यूज करके रिवर क्रॉस कैसे कर सकते हैं। टोनी सबसे पहला एक प्लैंक को रखेगा और उस पर खड़ा हो जाएगा, फिर वो दूसरे प्लैंक को पहले प्लैंक के ऊपर रख देंगे। अब टोनी के वेट के वजह से दूसरा प्लैंक जो है वो नीचे नहीं गिरेगा। बेन प्लैंक पे चढ़ता हुआ रिवर क्रॉस कर लेगा। अब बेन ने तो रिवर क्रॉस कर लिया, बट अब टोनी कैसे रिवर क्रॉस करेगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। सिंपल है, जैसे उन्होंने पहले ही किया अब वो उल्टा उस तरफ से करेंगे। अब बेन प्लैंक पे खड़ा हो जाएगा और इस प्लैंक को उस प्लैंक के ऊपर रख देंगे और फिर टोनी इन प्लैंक्स के ऊपर चढ़ के रिवर क्रॉस कर लेगा। सही थी ना पहली? एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। मिस्टर बॉब को एक कॉल आता है, हमने तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया है, अगर उसे सही सलामत देखना चाहते हो तो हमें $1,000 दे दो। वो बहुत डर जाता है और तुरंत स्कूल को कॉन्टेक्ट करता है, लेकिन टीचर बोलती है कि उनका बच्चा सेफ है और मिस्टर बॉब को उनके बच्चे का पिक्चर भेजती है। पिक्चर देख के मिस्टर बॉब रिलीफ हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद स्कूल से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बच्चा किडनैप हो गया है। तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। वो स्कूल पहुंच जाता है। उसे तीन कारों पे डाउट आता है, वो है ये तीन कारें, कार 1, कार 2 और कार 3। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन सी कार किडनैपिंग के लिए यूज की गई थी। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ये कैसे समझ गया कि कौन सी कार किडनैपिंग के लिए यूज की गई थी? सोचिए सोचिए। जो फोटो टीचर ने मिस्टर बॉब को भेजी थी उसे देखिए, उसमें उनके बच्चे के हाथ में एक बोतल है और वही बोतल कार 3 में पड़ी हुई है। चलिए अगली पहली देखते हैं। रॉन एकदम कन्विंस था कि जो ही कोई तो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है। उसके पास जॉब नहीं है, फिर भी वो हर महीने नई नई बाइक खरीदता रहता है। आज रॉन ने भी नई बाइक ली है। वो वहाँ पहुंच जाता है और अपनी बाइक को देख के बहुत खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जोई आता है और जोई के पास भी सेम वैसे ही बाइक होती है। लेकिन रॉन जोई की बाइक देख के समझ जाता है कि ये चोरी की बाइक है। कैसे लॉजिकल आर्मी, रॉन को ये कैसे समझ जाता है? ये सोचिए। दोनों नंबर प्लेट्स को ध्यान से देखिए, एकदम आइडेंटिकल है। अब रॉन ने तो जस्ट अभी बाइक लिया है, तो उसका लाइसेंस प्लेट फेक नहीं हो सकता। मतलब जोई का लाइसेंस प्लेट फेक है और रॉन का डाउट जोई पे कंफर्म हो जाता है। चलिए अगली पहली देखते हैं।
मेहुल के बचपन का दोस्त मनीष फॉरेन में घूमने के लिए जाता है और वापस आके मेहुल को कुछ फोटोज दिखाता है। मेहुल को बताता है कि ये वहाँ का सबसे ब्यूटीफुल सनराइज है और ये वहाँ का सबसे ब्यूटीफुल सनसेट है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये फोटोज नकली है। कैसे लॉजिकल आर्मी मेहुल को ये कैसे समझ गया, सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, सनराइज और सनसेट वाली फोटोज दोनों एक ही पहाड़ के पीछे से हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? सनराइज ईस्ट से और सनसेट वेस्ट में होता है। वही मेहुल को समझ जाता है कि उसका फ्रेंड उसे उल्लू बना रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आलिया रिडल सॉल्व कर रही है। अगर आलिया ने ये रिडल सॉल्व कर ली तो उसके फ्रेंड्स उसे पार्टी देंगे। इन तीनों इमोजीज को ध्यान से देख के मुझे बताइए ये कौन सी लड़की का नाम है लॉजिकल आर्मी, सोचिए सोचिए। आलिया तो तुरंत समझ गई, शू प्लस रू प्लस टी, ये है श्रुति। लेकिन क्या आप समझ पाए? चलिए अगली पहेली देखते हैं। फॉरेस्ट पुलिस को खबर मिलती है कि जंगल में कोई इलीगल तरीके से ट्री कट कर रहा है। पुलिस जंगल में जाकर देखती है तो एक पेड़ कटा पड़ा था। फॉरेस्ट पुलिस जंगल को चारों तरफ से घेर लेती है और तीन लोगों को पकड़ लेती है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि तीनों में से किसने पेड़ को कट किया है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी, ए बी सी में से किसने पेड़ को कट किया है, सोचिए सोचिए। दूसरे वाले आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा होगा। अगर पहला वाला बंदा अपनी वुड कटिंग मशीन से पेड़ को काटता तो पेड़ बिल्कुल स्लाइस में कटता। और तीसरे वाले आदमी के पास तो कोकोनट कटर है, उससे इतना बड़ा पेड़ कैसे कटेगा? मतलब ये दूसरा वाला आदमी है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बाइक वाला एक लेडी का पर्स छीन के भाग जाता है। उसी समय डिटेक्टिव मेहुल साइड में शॉपिंग कर रहा था। वो लेडी मेहुल को बाइक का नंबर और बाइक का कलर बता देती है। मेहुल तुरंत बाइक का नंबर नोट कर लेता है। बाइक ग्रीन कलर की और नंबर है 6996। ट्रैफिक पुलिस की मदद से मेहुल अगले सिग्नल पे सारी बाइक्स को रुकवा देता है। ट्रैफिक पुलिस ने सारे बाइक्स वालों को एक साइड में खड़ा करके रखा था। वहाँ पर तीन ग्रीन कलर की बाइक्स थी जो देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चोर की बाइक है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कौन सी बाइक चोर की हो सकती है इन तीनों में, सोचिए सोचिए। सेकेंड वाली बाइक का नंबर देखिए 9966 है। अगर आप नंबर को आगे पीछे करेंगे तो वो हो जाएगा 6996। मेहुल उसके नंबर प्लेट को टच करके देखता है तो नंबर आसानी से निकल जाते हैं। इसका मतलब चोर ने रास्ते में नंबर को आगे पीछे कर दिया होगा ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन मेहुल तो स्मार्ट है, उसे पकड़ लिया। चलिए अगली पहली देखते हैं। बुड्डू अंकल किचन में बनाना रख देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कोई उसमें से 4-5 बनाना खा लेता है। उस समय घर पे 3 बच्चे थे। मोटू अंकल तीनों बच्चों से पूछताछ करते हैं लेकिन सच्चाई का पता नहीं चलता। फिर मोटू अंकल तीनों बच्चों को अलग अलग कमरे में बंद कर देते हैं और उन्हें एक एक बनाना खाने के लिए देते हैं। बनाना फिनिश होते ही अंकल जी समझ जाते हैं कि किस बच्चे ने उनके बनाना खाए थे। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी, ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। ध्यान से देखिए, किचन में पड़े छिलके और सेकेंड रूम वाले बच्चे के छिलके मैच कर रहे हैं। वो छिलका तोड़ के खा रहा है जबकि फर्स्ट और थर्ड वालों ने छिलका तोड़ा नहीं है। अंकल जी उसे पकड़ लेते हैं। अंकल जी की समझदारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। जोई और अमांडा काफी दिनों से बातचीत कर रहे थे। एक दिन उन्होंने कॉफी डेट पे मिलने का प्लान किया। अमांडा जोई से कहती है कि मैं कॉफी डेट पे रेड रोज पहन के आऊंगी। जोई कैफे में पहुंच जाता है लेकिन उस दिन वहां पे 3 लड़कियां थी और तीनों ने रेड रोज पहन रखा था। जोई कंफ्यूज हो जाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों लड़कियों को देख के बता सकते हैं कि जोई की डेट अमांडा कौन होगी, ए बी या सी, सोचिए सोचिए। फर्स्ट गर्ल के टेबल पे ऑलरेडी 2 कॉफी रखी हुई है, मतलब वो किसी के साथ आई है। सेकेंड वाली लड़की तो कैजुअली ड्रेस्ड है, ऑलरेडी कॉफी पी रही है और बुक भी पढ़ रही है, मतलब वो कोई डेट पे नहीं आई होगी। तीसरी लड़की को देखिए, वो किसी का वेट कर रही है और अकेली बैठी है। वही जोई के इंतजार में होगी। जोई तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और दोनों साथ में मिलके कॉफी पीते हैं। चलिए अगली पहली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इस पिक्चर में कौन कौन ज़ॉम्बी है। अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।